एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कानून का राज स्थापित करने की कोशिश में है और अपराधियों पर लगातार बुलडोजर जैसे एक्शन भी प्रभावी तरीके से चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़े हुए ही तमाम नाम ऐसे हैं जो लगातार सरकार की छवि खराब करने वाली हरकतें कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला नाम है श्रीकांत त्यागी का। अरे अरे आराम से, आराम से सर, आराम से। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता समझी। श्रीकांत त्यागी का नाम पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ था। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के इस वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला के साथ काफी अभद्रता करता हुआ, उन्हें गाली देता हुआ और यहां तक कि धक्का मारता हुआ दिखाई दे रहा था। ये वीडियो वायरल हुआ तो इस व्यक्ति की पहचान बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के तौर पर हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई खास नाता नहीं है, लेकिन लगातार श्रीकांत त्यागी के ट्विटर बायो से लेकर उनकी तमाम तस्वीरें ऐसी वायरल हुई जिससे उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध स्थापित होता दिख रहा था। श्रीकांत त्यागी की हरकत की वजह से पार्टी को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, खासा तब जब श्रीकांत त्यागी करीब 3 से 4 दिन तक फरार रहा और नोएडा पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद घटना स्थल पर पहुंचे, उस सोसाइटी में पहुंचे जहां का वीडियो वायरल हुआ था और लगातार जनता के बीच ये कहा कि श्रीकांत त्यागी पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीकांत त्यागी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला और आखिरकार 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक श्रीकांत त्यागी की इन हरकतों के चलते, महिलाओं के साथ उसकी अभद्रता, उसके पुराने कांड और अवैध संपत्तियों के चलते पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक और वायरल वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कथित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कार चढ़ाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार ये बात 8 अगस्त की है, सावन का सोमवार था। रामनगर थाना क्षेत्र स्थित लोधेश्वर महादेवा में कांवड़ियों की भारी भीड़ थी, इसके चलते प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था। इसी दिन दोपहर में हरिहर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी कार से मड़ना गांव जा रहा था, जहां चौका घाट चौराहे पर रूट डायवर्जन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हरिहर सिंह को मेले की भीड़ के चलते आगे न जाने की नसीहत दी। अपने रौब और रुतबे और घमंड में चूर हरिहर सिंह ने यह बात नहीं मानी और ट्रैफिक सिपाही फिरोज आलम पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस घटना में फिरोज आलम के पैर में गंभीर चोट आई है, यहां तक कहा जा रहा है कि उन्हें पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद भी हरिहर सिंह इतने ताव में था कि वो ट्रैफिक पुलिस पर लगातार हमला किए हुए था, उस पर चिल्ला रहा था और अपने रुतबे की धौंस दे रहा था। खास बात यह रही कि उसके कार पर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ था और यूपी सरकार का लोगो लगा हुआ था, जिसके बाद ये मामला और भी सुर्खियों में आ गया। हरिहर सिंह को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता बताया जा रहा है। इस एक और नाम की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार को और भाजपा को फजीहत का सामना करना पड़ा। इसके बीच एक और नाम ऐसा रहा जिसकी वजह से सरकार की भत पिटी। यह नाम है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान का। राकेश सचान के खिलाफ अपनी सजा की फाइल लेकर कोर्ट से भागने जैसा गंभीर आरोप है। कानपुर में एक अदालत ने 6 अगस्त को राकेश सचान को एक पुराने मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन अदालत सजा सुना पाती उससे पहले ही राकेश सचान कथित तौर पर अपने वकील की मदद से अदालत के आदेश की कॉपी लेकर ही वहां से भाग गए। यही नहीं, वो जमानत का मुचलका यानी बेल बॉन्ड भरे बिना भी अदालत रूम से भाग गए। अब कोर्ट की पेशकार ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दे दी। हालांकि बाद में राकेश सचान सामने आए और कहा कि ये आरोप निराधार हैं, वो कोर्ट का न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन तब तक राकेश सचान की वजह से भी उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।